इसके साथ साथ में एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, वो कुछ सामाजिक और राजनीतिक लोग भीम आदमी को राजनीतिक पार्टी के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये उनकी जैसे मेरी एक आइडियोलॉजी, हाँ हाँ, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। देखिए मुझे मेरी लड़ाई तो थर्जन से भी नहीं है, छोड़ जाती से भी नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन मैं बहुजन, मुझे लगता है बहुजनों की विचारधारा पे मैं काम करता हूँ, बहुजनों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, वो राजनीतिक लोग उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनके अपने तरीके होते हैं सोचने के, या और से वो गुमराह हूँ तो इसलिए उनपे कुछ भी कहना, मैं क्योंकि मैं व्यक्ति भी सामाजिक हूँ तो मेरा गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा। तो मैं अगर सामाजिक व्यक्ति को विरोध करता तो उसका मैं जवाब देता अच्छा लगता, तो सामाजिक व्यक्ति तो कोई भी हो। और ये आप गजब की बात तो देखिए, एक जो मतलब नेचुरल बात है कि वो किसी पार्टी में हो, बहुजन समाज का व्यक्ति, वो चंद्रशेखर को अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है चंद्रशेखर सही लड़ाई लड़ रहा है, जी जी, वो किसी पार्टी में हो, चाहे मतलब वो खुल के नहीं बोल रहा है, पार्टी के संविधान में दबा हुआ है या पार्टी के किसी नेता का प्रेशर, लेकिन सामाजिक रूप से तो बोल रहा है ना, सामाजिक रूप से चंद्रशेखर का विरोध नहीं कर रहा, वो कह रहा मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। Thank you.